top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मैम आज आपने यहाँ प्रदर्शन किया है, किस लिए प्रदर्शन, क्या मांगे हैं आपकी आज जो आप अपने तेलंगाना से यहाँ केरला हाउस तक आए हैं, क्या किस लिए आपने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? फिर बेसिकली एक ये पीसफुल कार रैली ऑर्गेनाइज की गई है ध्यान फाउंडेशन ने, जो मिनिस्ट्री ने नए रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं रिगार्डिंग कैटल फेयर्स एंड एनिमल मार्केट्स, ये उसके लिए है। वी सपोर्ट द डिसीजन क्योंकि इन एनिमल मार्केट से बहुत क्रूरता होती है, बहुत पशु क्रूरता होती है, विच दिस न्यू लॉ प्रोहिबिट्स। एक और चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी ये कैटल फेयर है वो तो एग्रीकल्चर के पर्पज से इंटेंडेड है, लेकिन उसके प्रिटेक्स पर क्या हो रहा है कि ये मीट माफिया का हब बन गए हैं। और यहाँ से जितना कैटल आते हैं पूरे देश भर में, अगर आप हाईवेज ले लें, NH2 ले लें जो नॉर्थ में आता है, आप NH5 NH6 लेने जो आंध्र प्रदेश से होते हैं वो उड़ीसा वेस्ट बंगाल में जाता है, और ये सारा कैटल गोज अक्रॉस द बॉर्डर इनटू बांग्लादेश, और वहाँ से आर्म्ड एमिनेशन आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, फेक करेंसी आ रही है, और ये सिंपली आपके जो टेररिस्ट आउटफिट्स उनको फंड कर रहे हैं। तो अगर हम ये अलाउ कर रहे हैं देन वी आर सिंपली अलाउइंग आवर सोल्जर्स टू बी किल्ड, वी आर अलाउइंग वी आर फंडिंग टेररिज्म एंड वी डू नॉट वॉन्ट दैट। क्योंकि आप जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स देख रहे हैं, वी आर ऑल पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट प्रोफेशन, बच्चे भी बहुत आए हैं, बिकॉज हमारा कॉज एक ही है, वी आर ऑल एनिमल लवर्स, और कोई भी पशु क्रूरता है, एनिमल क्रूरिटी है, वी आर अगेंस्ट दैट। नाउ जब हम लॉ की बात करें, लॉज बहुत है, लेकिन कई कई जगह में अगर जैसे कोई पोलिटिकल प्रेशर हो गया या करप्शन की वजह से जो लॉज है वो पुलिस को अपोज नहीं करती। अगर अभी जैसे हम केरला भवन के बाहर ही खड़े हो तो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग कि कुछ दिन पहले केरला में मुंबई एंड कॉन्टेस्ट किया था जहाँ पर ट्रक में
an 18-month-old car being slaughtered. That is against the law. You can't allow something like this to happen. And इन्होंने बहुत सारे ऐसे आपके sections as far as the IPC is concerned, 428, 429. It has also hurt the religious sentiment of the Hindus. So that is your 135A, 295A, 505B, C. इतने सारे हैं 120A of the Kerala Police Act. इतने सारे rules allowed हुए हैं. But what has happened? തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി കേരള ഹൗസിന് പുറത്ത് നടന്നിരുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇന്നലെ ഗോരക്ഷ ക്രാന്തി എന്ന സംഘടനയുടെ പേരിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ധ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ പേരിൽ പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽ എന്ന ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ മുഴുവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കാര്യമില്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരള ഹൗസ് മാറുകയാണ്. Quoted as saying that I don't know, you women might just do unnecessary charges on me. Now what sort of behavior is this? We've also filed a complaint against this. We are all law abiding citizens. We are not going against the law. In fact, jo laws already hain, we want that those laws should be enforced. That is why all of us are here. Thank you.